करेक्ट लिख दिया। ओके गुड। ओके यहाँ पे तो 3 नंबर हो गए। प्लेन मिरर हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक, उसे हैप्पी बर्थडे बोल। हाँ हाँ उसका बर्थडे है तो उसमें से वो ये ले जाना, 5 स्टार का एक डिब्बा ले जाना, मिलता है ना बाजार में, तो तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं तो पैसे ले जाओ। उसमें प्लेन मिरर इमेज इज ऑफ लेंथ एंड कॉनकेव मिरर, इन प्लेन मिरर सेम लेंथ एंड इन कॉनकेव मिरर लार्जर। नहीं बेटा वैष्णवी ये बात नहीं है बेटा, मैं तुमको इसके आंसर बहुत अच्छा से रीड करके दे रहा हूँ, देखिए सुनिएगा। जो मिरर वाला कहानी तो अच्छा नहीं लगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा सुनिए, इफ इमेज इज सेम साइज लैटरली इन्वर्टेड, तुम्हारे पास पैसा है ना, जो पैसे दिया था रखा है ना, अच्छा ओके। हाँ बेटा वैष्णवी जो बात कर रहे थे बीच में कुछ और भी बात चल रहा था, इफ इमेज इज सेम लैटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इट इज प्लेन मिरर, इफ इमेज इज बिगर और स्मॉलर इन साइज इन्वर्टेड और इरेक्ट इट इज कॉनकेव मिरर, इफ इमेज इज स्मॉलर इन साइज इरेक्ट एज इन रियर व्यू मिरर। हाँ ठीक ठीक है ठीक, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, तो वैष्णवी यू विल बी अवार्डेड विद ओनली 1 मार्क्स। हाँ 1 मार्क्स मिला सिर्फ। ठीक है बेटा, बिकॉज ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं हुआ था। ठीक है नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अच्छा ओके 1.5 इसके बाद। ओहो ये वाला फिर क्वेश्चन तो उल्टा हो गया। अच्छा ठीक है 1। ओहो बहुत करेक्ट आंसर है बेटा, इसमें तो किसी को इतना अच्छा नंबर नहीं मिला, तुमको मिल गया 5 3 में से 3। ओके इस वाले क्वेश्चन में तो वैष्णव का मिल गया फुल मार्क्स। ओके हाँ उसके बाद वाला 33 का जो हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हाँ 2 एम्पियर यस यस 2 एम्पियर हाँ BYR और 8 ओम बेटा वैष्णवी कौन से वाला क्वेश्चन करी बेटा, तो 4 एम्पियर हुआ बेटा, ये तो गलत हो गया, इफेक्टिवेशन 8 ओम हो गया, और बैटरी कितनी की थी बेटा, ये मिस्टेक कर दिया बेटा, 8 8 4 हैं और उसके बाद 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो टोटल 8 ओम रेजिस्टेंस हुआ, और कारें वोल्टेज तो 8 वोल्ट है ना बेटा, तो 8/8 दैट विल बी 1 एम्पियर, जो करंट होगा वही मान लो पूरा सीरीज के थ्रू जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 रॉन्ग हो गया बेटा, इसमें से 8/8 हो गया ना बेटा, दैट विल बी 1 एम्पियर, तो रॉन्ग हो गया, लेकिन तब भी नंबर तो मिलेगा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1.5 मार्क्स मिलेगा, तो तुमने कुछ आधा पोर्शन किया। उसके बाद ये तो बड़ी हाइड्रोकार्बन सही है, उसके बाद सचिट्र ओके सही है, उसके बाद ये लिख दिया ओके ओके सही चल रहा है, सही चल रहा है, क्यों लिखा भैया कार्बन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ओहो बाबा हेटरो एटम लिखा तो यही सा लग गया प्रॉपर्टीज। ओके ठीक है ठीक,
एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ओके गुड, सही है, इसमें तो पांच में से पांच हो गए। उसके बाद एसिड टन क्या भैया, लिटमस, यू हैव गिवन थ्री टेस्ट ट्यूब इथेनिक एसिड इथेनॉल एंड सोप, आइडेंटिफाई दिस वन, गिव द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट, 34 का और पार्ट में बेटा, लिटमस पेपर के थ्रू इथेनॉल नो चेंज इन कलर, इथेनॉइक एसिड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, सोप सॉल्यूशन रेड लिटमस टर्न ब्लू। हाँ बेटा, उस डेवेज में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ओहो, इथेनॉल सॉल्यूशन विल रीज हाइड्रोजन व्हेन सोडियम इज एडेड टू इट, द हाइड्रोजन स्टिक नियर पॉप साउंड, हार्ड वाटर कॉन्टेंट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, उसका सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट हो जाते, इसी को बोलते स्कम। तो सारे आंसर तो तुमने किया, लेकिन इसमें एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, इथेनॉल क्या करेगा, इथेनॉल का कुछ नहीं लिखा बेटा। हाँ सर, 33 क्वेश्चन में जब हम एटो को मतलब सीरीज में कर देंगे तो वो 4 ओम आ जाएगा, फिर तो वो सीरीज में करंट इक्वल होता है, तो वो 8/4 ही तो होना चाहिए। सुनिए बेटा, सुनिए, अभी जो वहाँ पे तुम्हारा जो दिया था पैरेलल में 8 ओम 8 ओम, तो उसका 4 ओम हुआ टोटल सर्किट में, दो जो पैरेलल वाली थी वो तो 4 ओम हुई, और 4 ओम सीरीज में भी लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 4+4 8 हुआ ना। ओके सर, ओके। हाँ तो मिस्टेक है, और इसमें अल्कोहल के बारे में अपना कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे थोड़ा नंबर काट रहे हैं। ये वाला कितने मार्क्स का था बेटा, स्कम के बारे में कहाँ है वो भी नहीं लिख, यहाँ पे 3 और 2 कुछ नंबर मिलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन लेयरिंग कटिंग, बेटा वेजिटेटिव में तो वो भी कर देते ना बेटा, टिश्यू कल्चर वाला वो भी लिख देते हैं, बस 5 नंबर में दिया ना। सोप, अच्छा सोप का स्कम वाला यहाँ पे लिख दिया, ओके गुड। डिस्टेंस डिस्टेंस -37 बेटा, हाँ सेंटीमीटर लिख दिया, लिख दिया, ओके गुड गुड, सही है, -6 यस, ओके गुड, नेगेटिव साइन हो गया। डायग्राम कहाँ है बेटा, तो इसने भी डायग्राम तो बहुत बढ़िया बनाने का कोशिश करी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये एक लाइन से कैसे बन गया बेटा डायग्राम, तो तुम कहाँ हो, ट्रेन में हो क्या बेटा, ट्रेन में हो क्या, अच्छा ट्रेन में, ओहो ठीक है, तो ठीक है, डायग्राम इधर से देख देख, एक एरो भी तो लगाना था बेटा, ये वाला एरो तो है ही नहीं, ठीक है, तो ठीक है, नंबर 4.5 हो गया, स्केल नहीं होगा लेकिन एरो के लिए तो पेन से लिखना पड़ता ना, अच्छा ओके ठीक है, बस हो गया, नंबर ऐड कर लेना फिर।